أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى في نفس السورة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير محترم حضرات وخواتين سب سے शुक्र अदा करता हूँ कि उस रब करीम ने हम तमाम को इन लॉकडाउन के अयाम में भी किताब सुन्नत से और दीनी तलीमत से जुड़ने के मुख्तलिफ़ मौाक़ इनायत फरमाए हैं सुबह अलहमदिल्ल अकबर ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعده درود السلام نازل هو تمام أنبياء و مرسلین پر خصوصا آخر نبی جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ذات پر. اللهم بارك وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بعد ذا बंगलो दरूस से मुतालिक तमाम अहबाब का भी तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने साम और सामियात समात फरमा रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला सब को जजायखर अता फ़रमाएँ और की मेहनतों को शर्फ़ कबूलीत से नवाजें मिज़ान हसनात में शुमार फरमाएँ ख़ताओं को गलतीियों को दरगुजर फरमाएँ अल्लाह सब को सेहत व आफ़ियत के साथ रखें और अल्लाह ताला आबाद रखें शादाब रखें खुश वुर्रम रखें और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। आमीन या आलमीन ला हजरत खुदबा मसना के बाद मैंने आपके सामने अपने मौजू को लेकर आगे बढ़ने के लिए सूरह हुजरात की आयतें पढ़ी हैं आप जैसे वाकिफ़ हैं कि मेरा मौजू है जो कि आज के इस प्रोग्राम का पहला पहला मौजू है कि इस्लाम में दीनी रिश्ते दीनी रिश्तों की अहमियत और हकूक़ मैंने खुदा मसौना के बाद जो आयत पढ़ी सूरतुल हुज़रात की आयत नंबर दस तरमाया इ न मलमिन फ़असलोबैन अख्वकुम वत लअल्लकुम तोम इ ममिन यकीनन मोमिन आपस में भाई भाई हैं इखवा फसल उबैन अख्वकुम तो कभी अगर कुछ मामलात हो जाए तो आपस में एक दूसरे की असलाह करो आपस में एक दूसरे के खैर खा बनो असलाह की कोशिश करो इफ़साद की नहीं वकुल्ला और अल्लाह का डर रखो क्योंकि हम अगर किसी भाई के ताल्लुक से कोई बात कह रहे हैं या अपने भाई के इफ़साद और बिगाड़ के लिए सबब बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह का डर अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए कोई देखे ना देखे कोई पूछे ना पूछे अल्लाह ताला को एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा वत्तकुल्ला। यानी अपने भाई के हकूक की अदायगी के सिलसिले में अल्लाह से डरो, डरोमुन यकीनन तुम पर रहम किया जाएगा हजरत गिरामी इस आयत के बाद अल्लाह ताला ने उसी सूरत में आगे ये बयान किया ये अर्ज ये बयान किया ये बताया जैसे कि मैंने आपके सामने वायतें भी पढ़ी हैं कहा कि या खल ना कुसा हमने आपको एक मर्द औरत से पैदा किया है और तुम्हारे दरमियान मुख्तलिफ तरह के कबीले कुम्बे खानदान बनाए हैं ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको इन अखरम यकीन तुम में से सबसे बाइज्जत महतरम अल्लाह के पास वो हैं जो सबसे ज्यादा मुतकी और परहेजगार हैं इन अल्लाह खबीर अल्लाह इल्म रखने वाला है हर चीज़ से बाखबर है अगर आप इस आयत पर गौर करें अल्लाह आयत में तीन तरह के रिश्तों का जिक्र किया है जो कि आज के तीन मौजूद है अल्लाह ने एक ही आयत में इसको बयान कर दिया है पहला रिश्ता इंसानी रिश्ता या इन्ना ये कहकर अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत का जो अटूट रिश्ता है उसको बयान फरमाया है और फिर उसके बाद दूसरा रिश्ता खून रिश्ता व नसब का रिश्ता

रिश्ता अल्लाह के पास तकवा परहेजगारी का रिश्ता है दीन का रिश्ता है जरात मेरा मौजू यही आखिरी वाला है यानी दीनी रिश्तों की अहमियत और उसके हुकूक। आइए मैं आपके सामने इस की अहमियत को सबसे पहले उजागर करूं, दीनी रिश्ता अगर मुख्तरा ये कहा जा कहा जाए तो तमाम रिश्तों पर मुकदम तमाम रिश्तों पर भारी चाहे वो रिश्ते इंसान का हो चाहे वो रिश्ता खून का हसब नसब का हो सबसे अहम जो रिश्ता होता है सबसे मजबूत जो रिश्ता होता है अटूट जो रिश्ता होता है जो रिश्ता कयामत तक आखरत तक जन्नत तक चलने वाला होता है वो रिश्ता है दिनों ईमान का रिश्ता दिनों ईमान का रिश्ता ये सबसे अफजल है और सबसे बेहतर रिश्ता है सौकात दीनी रिश्ते इंसानी रिश्ते खूनी रिश्ते और इसी तरह से जो हसब नसब के रिश्ते हैं वो काम नहीं आते हैं खुसूसी तौर पर दीनी एतबार से ईमानी रिश्ता दीनी रिश्ता यही काम आने वाले हैं आइए मैं आपके सामने इस बात को अर्ज करूं कि जब एक इंसान कलिम तोहैद लाला ला ला का इकरार करता है इस ईमानी रिश्ते में जुड़ जाने के बाद दीन में दाखिल होने के बाद इतना मजबूत और अहम रिश्ता हो जाता है कि यही रिश्ता काम आने वाला होता है और आखरत में बसाओकात ये खूनी रिश्ते इंसानी रिश्ते हसब नसब के रिश्ते काम नहीं आते हैं चुनाचे देखिए सयेद दोनों नोअलाम नोसलाम उनका खूनी रिश्ता था उनकी औलाद के साथ उनका लड़का का नान उनकी आंखों के सामने डूब रहा था अपना जिगर आंखों के सामने डूबता हुआ देख कर नरख्वास कर बैठी इन तेरा वादा है कि तूने ये वादा किया है कि तू मेरे आहोल को बचाएगा मेरे मुतबईन को बचाएगा और मेरा ये बेटा मेरे अहलो आयाल में से है वह वा इन वायदा कल और तेरा वादा बरहक है अल्लाह इसलिए तो आज मेरी इस औलाद को बचा लेना अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि आई पागलों की तरह हरकत ना करना नादान ना बनना तकुम मिनल जाहिलीन कहा नादानी की हरकत ना करना याद रखना तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा होगा तुम्हारा लख जिगर होगा तुम्हारा नूर नजर होगा तुम्हारा मंसूर नजर होगा लेकिन तुम्हारे साथ खूनी रिश्ता तो है लेकिन ये रिश्ता काम आने के लिए उसको चाहिए था कि वो ईमानी रिश्ते में भी जुड़ता ईमानी रिश्ते में जुड़ा नहीं कलीमा तोहिद का इकरार किया नहीं ईमान का रिश्ता को कबूल किया नहीं के रिश्ते कबूल किया नहीं इसलिए रिश्ता पहुंचाने वाला नहीं है यहां पर तुम्हारे बेटे को यह खून का रिश्ता काम नहीं आएगा क्यों इसलिए दीन का रिश्ता नहीं है ईमान का रिश्ता नहीं है सुबह अल्लाह गौर करने का मुकाम है मेरे भाईयों गौर करने का मकाम है कि बस ये खूनी रिश्ते और ये हसब नसब के रिश्ते इंसानी रिश्ते काम नहीं आते हैं इसलिए याद रखे मेरे भाइयों मोमिन और मुवाहिद बाप का बेटा अगर मोमिन और मुवाहिद है तो ही आपस में एक दूसरे को आखिरत में फायदा होगा और अगर मोमिन बाप के बेटे उसकी औलाद मोमिन नहीं है दीनदार बाप के बेटे अगर दीनदार नहीं है दीनदार औलाद के अगर दीनदार नहीं है उनको आखिरत में एक दूसरे को फायदा नहीं होगा याद रखिए खून का रिश्ता वाकाम नहीं आएगा प्यारे वसल्लम का वाकया आप ले लें सही रिवायतों से यह साबित है जैसे कि सही मुस्लिम के हदीस है एक साहेब आप वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने ये अर्ज किया अल्लाह के रसोल अबी मेरे वालिद का ठिकाना कहां है शिर की हालत में कुफर की हालत में इंतकाल कर चुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उस आदमी को उस साहबी को बहुत तकलीफ हुई कि मेरे वालिद जहन्नम में जा रहे हैं जाने लगे पुशमुर्दा होके और गा होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया कि आओ इधर आओ और आपने फरमाया गौर करने की बात है कहा कि इन्ना अबी व अबा का फिन्नार सिर्फ तुम्हारे ही बाप नहीं मेरे बाप और तुम्हारे बाप दोनों जहन्नम में याद रखिए क्यों इसलिए कि एक नबी अंबिया के सरदार तमाम इंसानों के सरदार महबूब सुबहानी उनके वालिद हैं उनके वालिद हैं खूनी रिश्ता भी हैं हसब नसब का रिश्ता भी हैं इंसानी रिश्ता भी हैं लेकिन दीन का रिश्ता ना होने की वजह से उनको फायदा नहीं पहुंच रहा है इसी तरह से याद रखना मेरे भाइयों वसल्लम ने अपनी वालिदा के ताल्लुक से भी कहा दाऊद और मुसद अहमद की सही रिवायत है कि आप एक सफर में थे आप एक सफर में थे रो रहे थे ने कहा कि देखो वो मेरी वालिदा की खबर रही यहाँ में यहाँ से मैं देख रहा हूँ और मेरा शौक मेरा जज्बा मेरी वालिदा की माया ममता मेरे दिलो दिमाग में दाखिल हो गई है और मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त की अल्लाह मुझे मेरी वालिदा के कबर के की कब्र के पास जाकर दुआ की इजाजत दे दे अल्लाह ने कहा कि नहीं तुम्हारी वालिदा शिर्क की हालत में वफात पाई है तुम उनके लिए दुआए मगफिरत नहीं कर सकते हो मुझे बहुत तकलीफ हुई बहुत तकलीफ हुई और मैं रोना शुरू कर दिया अफसोस हुआ कि मेरी वालिदा शिर की हालत में वफात पाई और आज मेरा ये रिश्ता कुछ फायदा नहीं पहुंचा रहा है हजरात इसी तरह से अब अरग आप देखेंगे सही बुखारी का और एक वाक़ है ये तो हबीबुल्ला का वाक़ है खलीलुल्ला का भी वाक़ ले लें इब्राहीम ले इब्राहीम ले उनके वालिद कल क़यामत के मैदान में उनके सामने आएंगे और कहेंगे बेटा आज तो मुझे बचा ले इब्राहिम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे अल्लाह तो इनको बचा ले मेरे वालिद हैं मेरी इज्जत रख ले मेरी लाज रख ले अल्लाह कहेगा कि देखो यहाँ पर आज तुम्हारा खूनी रिश्ता इंसानी रिश्ता काम आने वाला नहीं है यहां पर रिश्ता अगर काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ दीन का रिश्ता काम आएगा तो ईमान के साथ दीन का रिश्ता होना बहुत जरूरी है और अल्लाह के यहां पर काम आने वाला नहीं है अल्लाह ने इसी को एक दूसरी जगह पर यूं बयान फरमाया अलअिल्लाम कहा के देखो दोस्त अहबाब कल क्यामत के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाए और परेजगार के जो मुतकी और परिजगार हैं उन्हीं को ये तकवार परिजगारी का दीन का रिश्ता काम आएगा हजरात याद रखें अबू जहल को अबू लहब को अबू तालिब को नबी से रिश्ता था खूनी रिश्ता भी था हसब नसब का रिश्ता था इंसानी रिश्ता भी था लेकिन कुछ काम नहीं आया क्यों इसलिए कि दीन का रिश्ता नहीं था दीन का रिश्ता बहुत अहम है मेरे भाइयों, दीन का रिश्ता बहुत अहम है और तमाम रिश्तों पर यह मुकदम है मैं आपको साहबी का वाकया सुना देता हूँ ये तो अंबिया का वाक्य मैंने आपके सामने रखे हैं सहाबी रसूल हजरत मुसाबिन रजी अल्लाह जिन्होंने बड़ी कुरबानिया दी सारी दौलत इस्लाम के लिए उन्होंने तज दे दिया और दिया और कुर्बान कर हिजरत करके आए वो सोहेब रोमी जिनका यह हाल था कि कपड़ा कभी धुल के नहीं पहने नया कपड़ा पहनते और उसके बाद वो मैला होने के बाद निकाल देते फिर नया कपड़ा पहन लेते कभी धुल के नहीं पहने और खुशबा ऐसी लगाते जिस गली से गुजरते घंटों वो गलियां महकती थी इस्लाम कबूल करके आए मां ने सारी दौलत से महरूम कर दिया आखिरकार जब आ रहे थे इसमें एक कपड़ा एक चादर उसमें बटन भी नहीं है पीपल के कांटे लगाए हुए सब कुछ कुर्बान करके हिजरत करके आए अल्लाह अकबर गाकिया है बदर में मुसबिन उमेर के सगे भाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे और जब मुसलमान जीत गए जंग गुफ्फार हार गए उनमें से सत्तर लोगों को कैदी बना लिया गया एक मुसलमान उमैर के सगे भाई को रस्सी से बांध रहे थे कैदी बना रहे थे मुसब बिन उमैर का गुजर वहां से हुआ। उन्होंने कहा भाई इसको जरा कस के बांधना और ले जाना ले जाने के बाद अगर फिदीए की नौबत आए मुआवजा देकर छुड़ाने की बात आए तो अच्छी भारी भरकम कीमत अदा करना वसूल करना भारी भार भारी भर कम वसूल करना फिदिया वसूल करना क्योंकि इसकी मां बड़ी मालदार है क्या कहा इसकी मां बड़ी मालदार है जबकि ये इनकी भी मां है इनकी भी वालिदा है बिन उमर के भाई जो काफिर था उन्होंने कहा कि भाई तू मेरा भाई नहीं है तू मेरा सगा भाई नहीं है तू मेरे लिए इतना ही कर सकता है तो उस वक्त बिन उमर ने कहा कि याद रख तू मेरा खूनी भाई है हसब और नसब का रिश्ता तुझसे है तू मेरा रिश्तेदार के भाई है तू इंसानी अतबार से भाई है लेकिन यहाँ पर मामला है सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता सबसे मुकदम रिश्ता सबसे प्रेफरेबल रिश्ता रिलेशनशिप और वो है दीन का रिश्ता दीन का रिलेशनशिप है यहाँ पर ये जो मेरा दीनी भाई है इसका रिश्ता मुकदम है ये सबसे अहम है आज यहाँ पर ये रिश्ता मुकदम है तेरा रिश्ता नहीं है अल्लाह दीन का रिश्ता रिश्ता बड़ा और बड़ा और मजबूत रिश्ता है मेरे भाइयों और ये रिश्ता इसी रिश्ते की वजह से हम सारे के सारे जब हम आमन तो बिल्ला कहते हैं कल मैं तोहहीद का इकरार करते हैं आपको ये पता है कि सारी काय के मखलूक दीनदार हैं सब मोमिन है सब तोहीद परस्त हैं हजर शजर चरिंदे परिंदे दरिंदे यहां तक कि फिजाओं में रहने वाले यहां तक कि इंसान के साए कुरान ने कहा कि साया भी अल्लाह की तहमीद और तस्बी बयान करते हैं हर चीज इमिन शिन हर चीज कोई भी चीज है अल्लाह ताला के परवरदिगार की तस्वीर और तहमीद बयान करती है हर चीज हर चीज हर चीज तो जाहिर सी बात है सारे के सारे मुवाहिद हैं सारे के सारे ईमानदार हैं जब मुसलमानों में से इंसान में से और चरिंदे परिंदे दरिंदों में से जो भी ईमानदार होते हैं जब ईमान के रिश्ते में आ जाते हैं सारे के सारे गोया के ईमानी रिश्तेदार हो गए दीनी रिश्ते हो रिश्तेदार हो गए इस बुनियाद पर फरिश्तों के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है जिन्नात के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है शज़र के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है परिंदे चरिंदे दरिंदों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है फिजाओं के साथ हवाओं के साथ माहौल के साथ हर एक के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है दीनी रिश्ता इतना मजबूत होता है आइए मैं आपको चंद नमूने पेश करूं चंद मिसाल दे दिए देता हूं कि किस तरीके से हम हर एक के साथ इस दीन रिश्ते में जुड़ जाते हैं और सबसे मजबूत रिश्ता यह होता है इस रिश्ते की अहमियत पे बात चल रही है दीन की बुनियाद पर ईमान और अकीदे की बुनियाद पर तोहेद की बुनियाद पर फरिश्ते हमारे ईमानदार दोस्त हो जाते हैं और हमारे ईमानदार वो लोग लो रिश्तेदार हो जाते हैं रिश्तेदार हो जाते हैं अल्लाह ताला ने भी वसल्लम ने भी और अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों के ताल्लुक से यह कहा फरिश्ते नेक लोगों के हक में दुआ देते हैं हम भी उनको दुआ देते हैं हम भी उनको दुआ देते हैं फरिश्ते हमें दुआ देते हैं छप्पन में फिफ्टी सिक्स में अल्लाह ने फरमाया तो मला तो वही अल्लाहम तुम पर रहमत नाजिल फरमाता है वह मला तो हो और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआए खैर करते हैं दुआए मफरत करते हैं रफे दर्जात के लिए दुआ करते रहते हैं तो फरिश्ते हमें दुआ दे रहे हैं हम उनको दुआ देते हैं कहा सही बुखारी के हाथी से नबी ने फरमाया साहबा कहते हैं कि शुरू में नमाज हम तशाह में तशाह में दुआ करते थे जबरीलम आला मिकाइल असला इसराफील असला फुला फुला फुला, हर एक फरिश्ते का नाम लेकर तशाह में दुआ देते थे नबी ने फरमाया हर एक का नाम लेने के बजाय एक लफ्ज़ कह दो व अला सालिहीन, व अला इबाद सीन अल्लाह के निकोकार साल बंदों पर सलामती हो इनसे मुराद निकोकार बंदों से मुराद फरिश्ते हैं तो हम नमाज में फरिश्तों को दुआ दे रहे हैं फरिश्ता हमें दुआ दे रहे हैं ये कौन सा रिश्ता है फरिश्ते ईमानदारों की हिफाजत करते हैं लहो मत लहो मवा आगे पीछे फरिश्तों की हिफाजत होती है दीनी इल्म के लिए फरिश्ते पर बिछा देते हैं उनकी हिफाजत होती है समंदर की मछलियां उनके लिए दुआएं देती हैं ये कौन सा रिश्ता है बोले ये कौन सा रिश्ता है दीन का रिश्ता ईमान का रिश्ता तोहहीद का रिश्ता है जिन्नात के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है दीनों ईमान और तोहीद की बुनियाद पर प्यार नबी सी जन्नात का वफद आपके पास आया और आप उनके साथ गए जाने के बाद जब वापस आए तो आपने फरमाया कि देखो लोगो हड्डियों से गोबर से इस मत किया करो क्यों कहा के मिनल जिन। कि ये तुम्हारे भाई जिन्नात की गजा है का का भाई तुम्हारे भाई जिन्नात की गजा है कौन से भाई हैं हसब नसब का भाई है। इंसान है वो नहीं यहां इंसानी रिश्ता नहीं यहां सब नसब और खून का रिश्ता नहीं यहां रिश्ता है तो दीन का रिश्ता है ईमान का रिश्ता है और याद रखिए मेरे भाईयो अकीद तौहीद का ये रिश्ता है चरिंदे परिंदे दरिंदे भी हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं इस बुनियाद पर आप जानते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया फरमायाबल अम्म अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करें पहाड़ अपनी जगह पर रेजा रेजा हो जाए और डर जाए खौफ जदा हो जाए ये कौन सी खशियत है कौन सा डर है ईमान का डर है आप सल्लल्लाहु सल्फारी हदी से जबल ओहद जबल वहद पे चढ़ गए आपके साथ अबो बकर और उमर थे जबले ओहद पहाड़ लरजने लगा लरजने लगा और हिलने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद पहाड़ थम जा रुक जा ठहर जा आज तेरे माथे पे एक नबी है एक सिद्दीक है और एक शहीद है ये सुनना था ओहद पहाड़ थम गया रुक गया ठहर गया अब बताइए ओहद पहाड़ नहीं जो ये तस्लीम कर लिया कौन सा रिश्ता था नबी के साथ नबुअत का रिश्ता था दीन का रिश्ता था अबू बकर के साथ सिद्दीकत का रिश्ता था दीनो ईमान का रिश्ता था उमर बिन उमर उमर बिन खत्ताब अल फारूक के साथ वो रिश्ता था दीनो ईमान का रिश्ता है हजरात अबाबिल परिंदे आए घर की हिफाजत के लिए कौन सा रिश्ता लेकर आए हद परिंदा जो पैगाम लेकर गया कौन सा रिश्ता था असाब का कुत्ता जो उनके साथ रहा कौन सा रिश्ता था शहद की मक्खियों ने हजरत आसिम बिन साबित हिफाजत की, की। वह कौन सा रिश्ता था दीनों ईमान का रिश्ता था और इस रिश्ते की बुनियाद पर पत्थर भी पत्थर भी हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं आपलम ने बारहा कहा मैं मक्के में एक पत्थर को जानता हूं जो मुझे सलाम करता था और हजर देखो गुनेगारों के गुना को जज करता है कल क्यामत के मैदान में हजर गवाही देगा सही है गवाही देगा उसकी तो आंखें होगी अल्लाह फुला फुला मेरे पास आया था इनको जन्नत में दाखिल फरमा अल्लाह अकबर अल्लाह सबको नसीब फरमाए हजर के दीदार आमीन या रब आलमीन ला और इसी तरह से सबसे हम बात देखिए दरख्त भी हमारे दरख्त भी हमारे रिश्तेदार हो जाते दीनी रिश्ते की बुनियाद पर लगाकर कर इरशाद फरमाया करते थे आपके लिए मेहराब बनाया, बनाया, बनाया गया तो आपने उसको छोड़ दिया तो लोगों ने देखा कि वो दरख्त का सूखा तना लेकर रो रहा था जब नबीन उसको अपने गले से लगाया तो वो खामोश हुआ अल्लाह भन कौन सा रिश्ता था दीनों ईमान का रिश्ता था और आम इंसानों की बात ले लीजिए जब आखिरी क्यामत के करीब क्यामत के करीब दज्ज़ाल आएगा ईसा का नुजुल होगा महदी का जहूर होगा तो दज्जाल के लश्करों के साथ यहूदियों के साथ मुसलमानों की जंग होगी मुसलमान चुन चुन के यहूदियों को कत्ल करेंगे यहूदी दरख्त के पीछे छुपेंगे यहूदी पहाड़ के पीछे पत्थर के पीछे दीवार के पीछे छुपेंगे हर दीवार हर पत्थर हर दरख्त हर आड़ मुसलमानों को पुकार पुकार कर कहेंगे आओ या ताल, हादा यहूदी ये यहूदी मेरे पीछे छुपा इसको कत्ल कर कौन से रिश्ते की बुनियाद पर कहेंगे बोलो ये दीनो ईमान का रिश्ता है दीनो ईमान का रिश्ता है कि हर चीज के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है हजरात, इसीलिए ये जो रिश्ता है बड़ा आफाकी रिश्ता है बड़ा आफाकी रिश्ता है यानी आफाक और अन्फुस और कायनत में सारी चीजें ईमान की बुनियाद पर हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं इसी को अल्लाह ताला ने सारे सारे तुम्हारा तनहा रब हूँ मेरी ही इबादत करो ये सारी मखलूक जो अल्लाह की इबादत करती है जो तोहिद है मोमिन है, है सारे के सारे उम्मत वाहिद की तरह है एक उम्मत की तरह है एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं और यह सारा रिश्ता एक आफ़ाकी होता है इसीलिए नबी ने क्या फरमाया एक मुसलमान का एक मुसलमान के साथ जो रिश्ता होता है अगर जैसे मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देते हुए फरमाया से बुखारी की हदीस है मोमिन की मिसाल फितबादि तरा उनके आपसी मोहब्बत उल्फत और रहमो करम में ऐसी हैं कम अली जसदिन वाहिद एक जिसमें एक जिसम की तरह है जिसमें वाहिद की तरह है जिसम के एक उजू में अगर तकलीफ हो इध का मिन हो उ जिसम के एक उंगली में अगर दर्द हो सारा जिसम दर्द महसूस करता है गोया के सारा जिसम यह दर्द महसूस करता है यही मोमिन की मिसाल है अफ्रीका के जंगल में रहने वाला एक मुसलमान को अगर तकलीफ उसके पैर में कांटा चुपे और आ निकले तो अमेरिका के महल्लात में रहने वाले गोरे गोरे मुसलमानों के दिल में उसका दर्द होना चाहिए दर्द होना चाहिए अफ्रीका के जंगल पे नेग्रो काले कलोटे लोगों को तकलीफ हो वो तकलीफ हो दर्द उसकी आग को महसूस करना चाहिए अमेरिका के महलात में रहने वाले गोरों को इसीलिए नबी ने फरमाया कि देखो किसी काले को गोरे पर किसी गोरे को काले पर किसी अरबी को अजमी पर किसी अजमी को अरबी पर फजीलत नहीं है अगर है तो इल्ला तक्वे के बुनियाद पर यही रिश्ता सबसे अहम है सबसे बड़ा है सबसे मजबूत है और यही रिश्ता मेरे भाई को याद रखना बड़ा आफाकी रिश्ता होता है और यही रिश्ता कल क़यामत के मैदान में सबको काम आने वाला है फायदा पहुंचाने वाला है आ ताला, ताला ने कुरद्रखरूफ आयत नंबर में फरमायाद बाद हमले बाद इन आदो दोस्त 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 रिश्ते सारे के सारे कल क्यामत के मैदान में दुश्मन हो जाएंगे इल्ल मुत्तकीन सिवाय मुत्तकी और परेजगार के तकवा और परेजगारी का मामला ही वहाँ पर काम आएगा जैसे कि मैंने अर्ज़ कर दिया हजरात ये बहुत अहम रिश्ता होता है बड़ा अहम बड़ा आफाकी और बहुत ही मजबूत रिश्ता है हर रिश्ते पर मुक़दम ये रिश्ता है दीनी रिश्ता खूनी रिश्ता इंसानी रिश्ता हर एक से बढ़ के होता ये रिश्ता इन अक्रम अल्लाह ने भी सारे तीन रिश्तों को बयान करने के बाद आखिर में कहा कि देखो ये सबसे अहम और सबसे मज़बूत ये रिश्ता है इस रिश्ते की अहमियत के ताल्लुक से मैंने आपके सामने अर्ज किया अब तक बातें बहुत हैं लेकिन चूंकि मुझे आ, वक्त के अंदर ख़त्म करना है आइए आखिर के 10-12 मिनट में मालूम करते हैं इस रिश्ते के हकूक क्या है क्योंकि मेरे मौजू के दो पहलू हैं कि दीनी रिश्तों की अहमियत यह मैंने बता दिया और उसके बाद हकूक हकूक क्या है मैं आपको मुख्तसरा बयान करूं हजरत अगर जाम अल्फाज में समझना चाहें अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर दो के आखिर में यह फरमाया वतावनु अलल बिर्र वत्तक्वा वाला والعدوان, आपस में एक दूसरे का ताउन करो नेकी और बेहतरीन कामों में तकवे के कामों में नेकी के कामों में इतात तो फरमाबरदारी के कामों में अल्लाह ताला की ताबेदारी के कामों में आपस में एक दूसरे का ताउन करो ये हुकूक है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर ये हुकूक है वाला तलब व और आपस में एक दूसरे का तान ना करो गुना और सरकशी के काम में गुना और सरकशी के काम में एक दूसरे का ताउन मत किया करो ये गोया कि मुख्तसरन में थोड़ी वजाहत करूंगा वक्त कम है थोड़ी वजाहत करूंगा तो खुलासा याद रखिए कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के लिए हुक क्या है दीन रिश्तों का हक ही है एक दीनदार भाई एक दीनदार बहन अपने दूसरे दीनदार भाई और बहन के खैर खा बने हमदर्द बने और उसके ताउन करें, नेकी के काम में तकवे के काम में गलत कामों में ताउन ना करें अल्लाह ने सूरह तोबा की आयत नंबर इकहत्तर में भी मजीद फरमाया वल मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बाद औलिया व बाद बाज बाज के दोस्त हैं ये अमरोना बिल भलाई का हुक्म देते हैं एक दूसरे को वनहोना अनिल मुनकर बुराइयों से रोकते हैं एक दूसरे को भलाई से रोकना भलाई का हुक्म देना बुराइयों से रोकना यही गोया के बुनियादी हक हैं और नबी ने इसको हदीस में जामे अल्फाज में बयान फरमाया ला तुम में से कोई आदमी मोमिन हो नहीं सकता दीनदार हो नहीं सकता हत्ता युहिब्बाली आखी ही मा युहिब्बुली नफसी जब तक अपने लिए अपने लिए जब तक अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करें जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए वही चीज पसंद करें जो अपने लिए पसंद करता है यही गोया के खुलासा है अब अपने लिए जो पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद करें यही गोया के एक दीनी रिश्ते का के तमाम खुलास, का खुलासा है दीने रिश्तों के तमाम तरह के हकूक का खुलासा यही है अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए ये पसंद करो क्या मतलब है थोड़ी वजाहत मालूम कर लें मैं पसंद करता हूं अच्छा रहू अच्छा खाऊं अच्छा पीऊं अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो मैं चाहता हूं कि आखिरत में अच्छा रहूं दीनदार दीनदार बन के जन्नति बनू अपने भाई को भी दीनदार बनाने की कोशिश करो भलाई का हुक्म दो उसको भी जन्नती बनाने की कोशिश करो हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करें अपने भाइयों के लिए भी दुआ दिया करो उनके खैर खा बनो हम चाहते हैं कि हमारे औलाद को अच्छा रिश्ता मिले तो इसी तरह से अपने भाइयों के लिए भी यही चाहो हम चाहते हैं कि हमारे औलाद अच्छा रहे और अच्छेपन पे हम दूसरों के लिए भी भाइयों के लिए भी वही चाहें हम चाहते हैं कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई और साजिश ना करें हम भी किसी के खिलाफ कार्रवाई और साजिश ना करें हम चाहते हैं कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं हम भी किसी पर उंगली ना उठाएं हम चाहते हैं कि कोई हमारी गिबत चुगलखोरी ना करें हम भी किसी की गिबत और चुगलखोरी ना करें हम चाहते हैं कि कोई हमारा हक ना मारे हक ना छीने हम भी किसी के हक तलफी ना करें हम चाहते हैं कि किसी कि को हमारा माल ना छीने हम भी किसी का माल ना हड़पें हम चाहते हैं किसी कि का कोई हमारा हक ना दबाए हम भी किसी का हक ना दबाएं हम चाहते हैं कि कोई हमारे हमारे ऊपर सीना जोरी ना करें हम भी किसी पर सीना जोरी ना करें हम चाहते हैं कोई हम पर जुल्म ना करें हम भी किसी पर जुल्म को रवा ना रखें याद रखें मेरे भाईयों ये खुलासा है अब सोचते जाइए जो जो आप अपने लिए चाहते हैं अपने भाई के लिए चाहें यही गोया के हुकूक हैं ये हुकूक हैं मैंने मुख्तसरन आपको शायद समझाने में कामयाब हो गया हूं कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर दीनी एतवार से क्या हक हाँ आयद होते हैं ये सारे हकूक का खुलासा है अपने लिए जो चाहते हो अपने भाई के लिए वही चाहो अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई बहनों के लिए वही पसंद करो और यहाँ भाई बहन से मुराद दीनी भाई बहन है दीनी भाई बहन है जो कि सब पर मुकदम है क्योंकि बात वही चल रही है ताहमारे नबी सल्हसलम ने हदीसों में बाज़ हुकूक को बयान किए मैं मौजू का कहा कदा करने के लिए उनको भी बयान किए देता हूँ सही रिवायत है आप जानते हैं सही मुस्लिम वगैरह की हदीस हैं अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक़ुल मुस्लिम फरमायाक़ुल मुस्लिम सि और एक रिवायत में सब और एक रिवायत में खम सुन एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर पाँच या छः या सात हुकूक हैं बहुत सारे हुकूक हैं यहाँ पर सिर्फ इतने बयान हुए सिर्फ सात और पाँच और छः ही नहीं बल्कि बहुत सारे हैं क्या क्या है वो फरमाया नंबर एक इदा हो। इदा फसल्लिम पहला हक इधा लकीता जब तुम उनसे मिलो मुलाकात करो तो सलाम करो अल्लाकबर सलाम देखो एक अजनबी मुसलमान आपस में एक दूसरे को पहचान गए मुसलमान है अजनबी जगह अजनबी शहर सलाम करते हैं मुसाफा करते हैं मुस्कुरा कर मिलते हैं देखने वालों को यह लगता होगा कि बरसों की शनासाई होगी बरसों से इनकी कोई जान पहचान होगी ये ईमानी रिश्ता मेरे भाई हो ईमानी रिश्ता है ये सलाम करे नबी ने फरमाया जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो हर एक मुसलमान को सलाम किया करो क्योंकि ये, ये हक है हक है सारे लोग ये कहते हैं कि सलाम करना सुन्नत है जवाब देना वाजिब है बिल्कुल सही बात है लेकिन शेख बिन शेख बिन बाज से सवाल किया गया उन्होंने कहा इस हदीस की तफसीर बयान करने के बाद कहा कि देखो अल्फाज से पता चलता है सलाम करना भी वाजिब है क्योंकि नबी ने हुक्म दिया है लिहाजा सलाम करना भी वाजिब है दो दोब हो जब तुम्हारे भाई किसी काम के लिए तुमको बुलाए दावत हम सुनते हैं सिर्फ सिर्फ दावत नहीं किसी भी काम के लिए बुलाएं तो जाओ इन हुकूक की वजाहत करने के लिए मेरे पास वक्त ना नहीं है ना काफी है आप समझ रहे हैं एक मुसलमान मुसीबत के लिए तकलीफ के लिए दावत के लिए वलीमा के लिए परेशानी के लिए काम के लिए बुलाएं तो जाएं नबी ने फरमाया कि एक मुसलमान के मैं काम आओ। काम आओ मुझे ज़्यादा पसंदीदा है में एक महीना एतकाफ के मुकाबले में अल्लाह अकबर कितना बड़ा सवाब है एक महीना एहतिकाफ के मुकाबले में एक मुसलमान का काम आ जाओ यह मेरे लिए ज्यादा महबूब है जब बुलाए तो जाओ वही दस्तन सहक फन सहला जब तुमसे नसीहत तलब करे खैर खाई की तो अच्छी नसीहत किया करो ये तीसरा हक चौथा बयान हुआ वही तो हो जब वो छींके अल्लाह की तारीफ कहें अल्हम्दुलिल्लाह कहें उसका जवाब दो यहामकल्ला कहो इसी तरह से पांच वहीदा मरीदा इमार हो जब बीमार हो जाए तो उसकी यादत के लिए जाओ बीमार हो जाए तो यादत करो यादत की बड़ी फजीलत है बड़ी फजीलत है अल्लाह अकबर आप किसी और मौके पर उसको सुनेंगे सत्तर हजार फरिश्ते दुआ देते हैं जन्नत की क्यारियों में क्यारियों में होते हैं जब तक वो रहते हैं यादत के दौरान वहीदा मतफ़ा और जब कोई इंसान इंतकाल कर जाए मुसलमान इंतकाल कर जाए तो फत तबी हो या फ हो उसके पीछे पीछे जाओ यानी जनाजे के पीछे पीछे चला करो और एक दूसरी रिवायत में यह है नसरमदलूम एक मजलूम मुसलमान की मदद करना एक मुसलमान का हक है आज के हालात के तनाजुर में इसको समझें आज मुसलमान मकहूर है मजलूम है और याद रखो जुल्म करना जैसे गलत है जुल्म सहना भी गलत है जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ उठाओगे उतनी ज्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी उतनी ज्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी इसलिए आज मुसलमान मजलूम है तो हमें चाहिए कि उनके उनके ताउन के लिए उनकी नुसरत के लिए उठ खड़े हों बहुत जरूरी मेरे भाइयों अब सोने का वक्त नहीं है खुला कलाम ये हुआ मेरे मौजू के खुलासे कलाम ये हैं नसीहा दीन खैर खाई का नाम है और किसके लिए कहा कि अल्लाह के लिए रसूल के लिए आम मुसलमानों के हुक्म के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बोले आम मतिल मुसलिमिन तमाम मुसलमानों के लिए ये गोया कि मेरी बयान का मेरी तकरीर और बयान का खुलासा है कि इंसानों में आम तौर से तीन रिश्ते होते हैं आज आप तीनों को सुनेंगे एक इंसानी रिश्ता एक खूनी और हसब नसब का रिश्ता और एक दीन का रिश्ता लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता सबसे अहम रिश्ता तीनों रिश्ते की अहमियत इंसान इस्लाम में है इस्लाम की निगाह में है लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता सबसे अहम रिश्ता दीन का रिश्ता है ईमान का रिश्ता है अक़द तोहद का रिश्ता है और अल्लाह तर अल्लाह ताला पर ईमान लाने का रिश्ता है ये रिश्ता सबसे मजबूत सबसे मोहतरम सबसे मुक़दम और सबसे प्रेफरेबल हैं जो कि तमाम रिश्तों पर भारी हैं और ये इंसानी रिश्ते और ये दी जो इंसानी रिश्ते और खून के रिश्ते हसब नसब के रिश्ते उसी वक्त काम आएंगे जब दीनी रिश्ता हो सिर्फ़ दीनी रिश्ता ही सबसे बेहतर है और सबसे काम आने वाला है और सब पर मुकदम है वाकई आप सुन लिए

जो अपने लिए चाहते हैं भाइयों के लिए चाहें यही गोया के तमाम का खुलासा है दो रबालमीन से अल्लाह तबरक़ हमें और आपको कहने सर सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ी तह इलाल आलमीन सारे मुसलमानों को इन कई सुनी बातों पर अमल की तोफ़ी दे इस रिश्ते को समझने की तोफ़ीक़त फरमाएँ अल्लाह सारे मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त और ईमान आहोयाल की हिफाजत फरमाए आमीन वाख्रदवान अलहमदिल्ल रबालमीन सलामैलैलकम वरक़ा